नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ ये लेक्चर प्रारंभ हो रहा है। और आज के इस लेक्चर का टॉपिक भारतीय संविधान का स्रोत है। बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक है, यद्यपि इस टॉपिक के काफ़ी कुछ भाग तथ्यात्मक बिंदुओं से भरे पड़े हैं, किंतु फिर भी हमें एक रियलिस्टिक और साइंटिफिक वे में इस टॉपिक का एनालिसिस करते हुए आप लोगों में एक अवधारणात्मक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए और हम इस टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और भारतीय संविधान को बनाने के दौरान यहाँ पर विभिन्न समितियों के जो सदस्य थे उन्होंने पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन किया और भारत की परिस्थितियों में जनता के कल्याण के लिए जितना भी बेहतर हो सकता था उसे परिवर्तन करके अपने यहाँ अपनाया गया। तो मूल रूप में जिन भी संविधान और जिन देशों के संविधान का अध्ययन किया गया उनसे अलग अलग प्रकार के कई प्रावधान लिए गए। तो एक एक करके हम अलग अलग देशों के संविधान को देखते हैं जहाँ से ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। तो इसमें पहला स्थान ब्रिटेन का है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और ब्रिटेन भी दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ की संसदीय शासन प्रणाली सबसे मजबूत, यानी कि इसके पूर्व में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में जब समन्वय पर चर्चा हो रही थी तो इस पर बताया गया है कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पे संसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद है। तो भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में अगर देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन और एकल नागरिकता, तो इतने प्रावधान जो ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब संसदीय शासन प्रणाली है, तो जब संसदीय शासन प्रणाली है तो वहां पर संसद ही जो है विधि का निर्माण करेगा। तो यहां पर भारत में संसदीय शासन प्रणाली और संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, और जब विधि बन जाता है तो वो विधि का शासन। तो कहने का तात्पर्य है कि संसदीय शासन प्रणाली और उस संसद में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, किस तरीके से संविधान के अंतर्गत रहते हुए संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा, वो प्रोसेस यहीं से लिया गया है। और जब विधि बन जाएगा तो उसके बाद विधि का शासन स्थापित हो जाएगा। तो विधि के शासन की भी व्यवस्था वहीं से ली गई है। और एकल नागरिकता का प्रावधान, सामान्यतः ये देखा गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में दोहरी शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, परंतु भारत में ब्रिटेन के तर्ज पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारत में ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, उस संसद के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया, और जब विधि बन जाता है तो विधि का शासन और एकल नागरिकता, इतनी व्यवस्थाएं जो है ब्रिटेन से ली गई हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो संसद के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान हैं वो ब्रिटेन के शासन प्रणाली से लिया गया है। इसी तरीके से अमेरिका में अगर देखा जाए तो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है। वैसे भी जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना का ही अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि प्रस्तावना के बाद जैसे होता है कि एक क्रम से मौलिक अधिकार, नीति, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार अगर देखा जाए तो ये एक में जुड़े हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों व्यवस्थाएं अमेरिका से ली गई हैं, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोनों ही न्याय से जुड़े हुए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों अमेरिका से लिए गए हैं। जब हम संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक सर्वोच्चता के संदर्भ में जो भी प्रावधान है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ही प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद एक विशिष्ट या और अलग प्रकार की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया। तो इस प्रकार से देखिए तो अमेरिका से इन सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अब हम आते हैं आयरलैंड पर। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व जो कि बहुत ही लोकप्रिय प्रावधान है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है, तो इसको बताने की कोई विशेष जरूरत नहीं है।
निदेशकता तो आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यसभा में विशिष्ट योग्यता के जो व्यक्तियों को नामित किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, इसलिए भी ये चीज दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और नामांकन की प्रक्रिया न केवल राज्यसभा में बल्कि विधान परिषद में भी होता है मनोनयन की प्रक्रिया, तो दोनों ही सदनों में यानी कि विधान परिषद में और राज्यसभा में इन दोनों ही सदनों में जो विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है। और वो मनोनयन की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से यह स्पष्ट होता है नीति निदेशकता तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था और राज्यसभा में तथा विधान परिषद में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों का मनोनयन। तो यहाँ पर साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा से लोगों को लिया जाता है और यहाँ पर इन सभी विषयों के साथ सहकारिता के विषयों को भी लिया जाता है विधान परिषद में। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर केवल विधान परिषद में ही सदस्य नामित किए जाते हैं, राज्यसभा में इस क्षेत्र को नहीं शामिल किया गया है। साहित्य कला समाज सेवा विज्ञान यहां पे लिया जाता है और यहां पर इसके साथ साथ सहकारिता के भी क्षेत्र से विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में नामित किया जाता है। अब ये बात और है कि यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया राज्यपाल के द्वारा होती है और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है, लेकिन नामांकन की जो व्यवस्था है वो दोनों ही आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो थोड़ा सा अगर हम मूल व्यवस्था के साथ उससे जुड़े हुए प्रावधानों को एक साथ मिला करके देखते हैं तो उससे याद करने में आसानी होती है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है हमारे पास और एग्जाम में हम बिना भूले हुए बिना कंफ्यूजन के प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता का विकास कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशकता तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा एवं विधान परिषद में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों का मनोनयन, ये सारे प्रावधान आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, तो ये चीज अपने आप में बहुत ही लोकप्रिय उपबंध है, प्रावधान है जो कि सामान्यतः लोगों का तैयार होता है एक प्रस्तावना की भाषा। ये दो टॉपिक हैं जो दो उपबंध हैं जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि प्रस्तावना की बात यहाँ पर भी की गई है और प्रस्तावना की बात यहाँ पर भी की गई है, तो जो प्रस्तावना की व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है अमेरिका से लिया गया है कि अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है, जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया वैसे वहाँ पे भी वी द पीपुल ऑफ अमेरिका इस तरीके का प्रावधान जो है किया गया है। तो अमेरिका में प्रस्तावना है और उसी के तर्ज पर भारत में प्रस्तावना कर दिया गया है, लेकिन जो भाषा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया और भाषा या शब्द ये कह दिया जाए तो ये प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि संविधान के प्रारंभ में जो प्रीएम्बल की व्यवस्था की गई है, जो प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है वो अमेरिका के तर्ज पर की गई, लेकिन जो शब्द उसमें डाले गए हैं जो प्रस्तावना की भाषा है उसकी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से दोनों प्रस्तावना में अंतर है, केवल प्रस्तावना लिया गया है, प्रस्तावना की व्यवस्था की गई वो अमेरिका के तर्ज पर, लेकिन प्रस्तावना में किन विषयों किन शब्दों का किन भाषा का प्रयोग किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये दोनों प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल का पद, ये एक चीज ये स्पष्ट करना आवश्यक, संघात्मक जो व्यवस्थाएं हैं संघात्मक शासन व्यवस्था वो कनाडा से लिया गया और अवशिष्ट शक्तियां जो है ये भी बताती भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई, क्योंकि जहां पर विषयों का वर्गीकरण किया जाता है वहीं पर हम संघ सूची समवर्ती सूची अवशिष्ट विषय राज्य सूची इत्यादि की बात करते हैं। तो ये वर्गीकरण जो किया जाता है
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट, ये जो वर्गीकरण किया गया इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है वो अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में प्रावधान कनाडा से जो है किया गया है। और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वर्गीकरण शक्तियों का होता है, विभिन्न स्तरों की सरकारों को प्रदान किया जाता है संविधान के माध्यम से, वो संघात्मक शासन व्यवस्था में किया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रावधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से है ये जानकारी भी होती है, परंतु अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में कंफ्यूजन होता है। तो ये भी इसी कनाडा के साथ में जुड़ी हुई है। और इसके साथ में एक अलग से प्रावधान आप ले लेंगे कि राज्यपाल का पद, ये भी व्यवस्था कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम कनाडा के बारे में तीन प्रकार के मुख्य प्रावधान लिए गए। इससे संबंधित सवाल कभी कभी कूट में दे देता है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, या कभी एक ही व्यवस्थाओं को वो प्रश्न में ले लेता है, जो अक्सर यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, या कभी कभी साक्षात्कार में भी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी पीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में भी यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं। तो इस तरीके से संविधान का स्रोत भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का अत्यंत लोकप्रिय टॉपिक है, जिसकी तैयारी करना इस तरीके से आवश्यक है। यह तथ्यात्मक है, किंतु इस तरीके से अगर दृष्टिकोण विकसित किया जाए तो निश्चित तौर पर एक अवधारणात्मक समझ हो सकता है। इसी तरीके से जर्मनी एकमात्र प्रावधान आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था की गई, फ्रांस में गणतंत्रीय व्यवस्था की गई है, भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली और लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और इसके संदर्भ में ये कहा जाता है गणतंत्रीय शासन प्रणाली उस देश में स्थापित शासन प्रणाली को कहा जाता है जहां का सर्वोच्च संवैधानिक पद वंशानुगत ना होकर के चुनाव की प्रणाली पर आधारित होती है। इस तरीके से भारत में राष्ट्रपति का पद जो है चुनाव पर आधारित होने के कारण भारत को गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इंडिया रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन ब्रिटेन को हम रिपब्लिक नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां का सर्वोच्च पद सम्राट या साम्राज्ञी का पद है जो कि वंश पर आधारित, इसलिए वहां पर संसदीय शासन प्रणाली तो है परंतु वहां पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां पर इसे विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दो प्रकार की व्यवस्थाएं वैश्विक स्तर के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अपनाया जाता है, जिस पर यह जानकारी होना आवश्यक है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया में क्या अंतर है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया क्योंकि भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है और संसद के द्वारा जो भी कानून व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं हमारी न्यायपालिका के माध्यम से, उन कानूनों के माध्यम से और संवैधानिक पृष्ठभूमि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों का निर्वचन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय द्वारा निर्वचन किया जाता है वो विद्यमान कानूनों के संदर्भ में किया जाता है, विद्यमान संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में किया जाता है, इसलिए इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य है कि न्यायालय को अपने स्वविवेक के आधार पर किसी भी विषय का निर्वचन करने का अधिकार दिया जाता है और वहां पर यही व्यवस्थाएं न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर देती हैं। तो भारत में चूंकि दोनों के मध्य की स्थिति अपनाई गई है, इसीलिए भारत में विधि की उचित प्रक्रिया के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जो कि भारत में जापान की व्यवस्था, जापान के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। सोवियत संघ एक समाजवादी व्यवस्था का देश है, जो व्यक्ति के कर्तव्य को ज्यादा तवज्जो देता है। तो सोवियत संघ से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है और मौलिक अधिकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से की गई है। तो अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है जो व्यक्ति के अधिकार को ज्यादा से ज्यादा देने में विश्वास करता है, और सोवियत संघ एक समाजवादी देश है जहां पर यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति के कर्तव्य भी होने चाहिए, ये समाजवादी देश है। और ये
पूंजीवादी या लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक आपके जो है पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी देश में व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाता है, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, ऐसी स्थिति में कि वह संसाधनों का प्रबंधन कर सके, अपने रोजगार व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, इस माध्यम से वो देश के विकास पर बल देता है। तो ऐसी स्थिति में यही बातें स्पष्ट होती हैं कि अमेरिका जो है पूंजीवादी और लोकतांत्रिक देश होने के कारण से मौलिक अधिकार पर बल देता है, जबकि सोवियत संघ की व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था है और वो मौलिक कर्तव्य पर बल देता है। तो इस तरीके से हमने संविधान के स्रोत का एक रियलिस्टिक और साइंटिफिक विश्लेषण किए, जिससे विभिन्न प्रकार के देशों से ली गई व्यवस्थाओं और उनसे जुड़े हुए उपव्यवस्थाओं को एक में जोड़ करके देखा गया। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, इससे एक इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि विभिन्न प्रकार के प्रावधान जो लिए गए हैं वो किसी देश से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक संविधान का स्रोत था, और इसके माध्यम से हम भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के एक लोकप्रिय भाग और सेक्शन या जो है टॉपिक का अध्ययन किए। इससे अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो भी नोट्स इससे रिलेटेड हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पाएंगे इसका लिंक, वहाँ से आप पहुंचकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आप इस टॉपिक के साथ साथ अपने परीक्षा के विभिन्न टॉपिक्स में समायोजन स्थापित कीजिए, संतुलन स्थापित कीजिए, बेहतर ढंग से अध्ययन करते हुए कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।